खबर डोईवाला से है, जहां श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के हितों के लिए सरकार लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। यहां तक कि दिवाली के मौके पर भी सरकार ने इन श्रमिकों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बता दें कि बुल्लावाला में श्रम विभाग व ग्राम पंचायत मारखम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत व विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने शिरकत की, जहां श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कंबल टूल किट के साथ महिला मजदूरों को सैनिटरी पैड देकर उनकी मदद करने का प्रयास किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार सभी वर्ग के हितों में काम कर रही है। दिवाली के मौके पर मजदूरों को सरकार की तरफ से उपहार दिया गया है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। बुल्लावाला में श्रम विभाग की ओर से 400 व्यक्तियों को निःशुल्क श्रमिक किट का वितरण किया गया है, जिसमें हमारे लोकप्रिय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय ब्रजभूषण गैरोला जी सम्मिलित रहे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने हमारा व्यस्तम समय में अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया और इस प्रोग्राम में आए, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लगभग 450 किट वितरण आज विभिन्न श्रमिकों को, विभिन्न ट्रेडों में पंजीकृत श्रमिकों को, निर्माण श्रमिकों को टूल किट, और जिस ट्रेड में वो पंजीकृत है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, और मजदूर है, मिस्त्री है, पेंटर है, यूपी का काम करते हैं, जो जिस ट्रेड में पंजीकृत है, संबंधित टूल किट उन्हें प्रदान की गई है। भारत सरकार की योजना है, जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए सरकार के द्वारा, और जो जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए उनको उस तरह के टूल किट दिए जाते हैं, और एक महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन का जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहें। आज सर्वाइकल कैंसर काफ़ी देखा गया, और वो भी ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की जो व्यवस्था की गई है, उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शादी के अवसर पर उनको 50,000 रुपये दिया जाता है, उन सब बातों से श्रमिकों को अवगत भी कराया गया, और जो श्रमिक हैं उनको टूल किट भी दिए गए।